देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। राजस्थान के उदयपुर में दिनदहाड़े हत्या के बाद से पूरे देश के अंदर आक्रोश फैला हुआ है। इसी को लेकर आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्र प्रवक्ता संजय जाट ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। वहीं ज्ञापन के माध्यम से दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस सरकार के रहते हुए उदयपुर के अंदर कन्हैया साहू की निशंस इस्लामिक आतंकवाद से प्रेरित होकर हत्या कर दी गई और खुलेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, इससे ऐसा लगता है देश के अंदर जितनी समस्या राज्यों में कांग्रेस सरकार है, ये लोग खुलेआम मदरसे चलाकर, इस्लामिक अड्डे चलाकर और इनसे प्रेरित होकर जिस तरीके से ऐसी निशंस हत्याएँ करते हैं, और इन्होंने जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और नुपुर शर्मा का सिर कलम करने की बात वीडियो में कही है, तो हम लोग कहना चाहते हैं इनका सिर कलम करने से पहले योगी जी, मोदी जी और नुपुर शर्मा के लाखों दीवाने हैं, उनकी गर्दन को सिर कलम करना पड़ेगा, उसके बाद वहां तक। अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोधी को एक अनजान फोन से 5 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। वहीं रंगदारी के रूप में 5 लाख न देने पर उक्त फोनकर्ता ने भाजयुमो जिलाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर भाजयुमो जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोधी SSP कार्यालय पहुंचे और शिकायती प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मैं 25 तारीख को लखनऊ से आ रहा था, तो 12 बजे के आसपास में एक अननोन नंबर से कॉल आया, तो मैंने उठाया, तो उठाते ही उसने बदतमीजी शुरू कर दी। बोले कि कल से फ़ोन कर रहे हैं, तो जब फ़ोन उठाने का होश नहीं है कि किससे बात करनी है। मैंने, आप बोल कौन रहे हैं और कैसे इस तरीके से अबस असभ्य भाषा का आप उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो बोले कि अगर आपको, आपने 5 लाख रुपए हमारे कहने के हिसाब से अगर इस जगह पर नहीं पहुँचाए जो हम बताएंगे, हम आपको जान से मार देंगे, इस तरह की। और फिर फैमिली को लेकर और मेरे परिवार वालों को लेकर खबर बुलंदशहर से है, जहां गैर संप्रदाय के 3 युवकों ने एक मां और उसकी 2 नाबालिग बेटियों को अगवा कर लिया, जिसके बाद महिला का पति अपनी पत्नी और बेटियों की बरामदगी के लिए अधिकारियों के दफ्तर पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने के आदेश दिए। मैं जी गाँव अलियाबाद का रहने वाला हूँ, जिला बुलंदशहर, और ये चोले चौकी थाना लगता है। और जी मैंने 9 तारीख में रिपोर्ट करी ही, वो लई नहीं, और जो मेरे 2 लड़की हैं और एक पत्नी है, एक 8 साल की लड़की है, एक 10 साल की लड़की है, उन्हें दो लोग मुसलमान के अगवा करके ले गए, बेला फुसला के चीज़ वत और पैसे वैसे सबों को ले गए, और 9 तारीख से मैं भागा डोल रहा हूँ, पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही। हाँ, ये चोला क्षेत्र का एक प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, इसमें वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है और एक टीम गठित करके इनकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। इसमें अभी तक कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं, अभी इसका थानाध्यक्ष से मेरी बात हुई है, इसमें गुमशुदगी दर्ज है, लेकिन इनको अभियोग पंजीकृत करने के लिए निर्देश। खबर बुलंदशहर से है, जहां कन्हैया हत्याकांड के मामले को लेकर हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतरे और चौराहे पर जाम लगाकर कन्हैया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं जैसे जमकर नारे लगाए और राजस्थान सरकार का पुतला फूंकते हुए राजस्थान सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। जयपुर में कल एक हमारे भाई हिंदू भाई कन्हैया लाल तेली की गर्दन काट के सरेआम तालिबानी तरीके से हत्या कर दी गई, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर पूरा हिंदू समाज एकत्रित है और देश के अंदर जिस तरीके की आतंकवादी गतिविधि हुई है, इसके विरोध में आज हम सब लोग इकट्ठा होकर के अपना विरोध।
खबर बिजनौर से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि महिला को उसके पति ने गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल परिजनों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। ये लड़की की मौत हुई है, हमारा फोन गया है, हमने फोन किया उनके पास में तो क्या हुआ, तो उन्होंने खुद बताया कि उनका इंतकाल हो गया। जैसे हमारे पड़ोसी में यहाँ से जहाँ पे रहती थी ये बिजनौर में, तो जैसे हमारे हमें पड़ोसी ने पूछा कि क्या बात है, ये पड़ोसी को भी कोई पता नहीं था, हमारे से पड़ोसी को पता चला। शादी हुई थी, 2 साल हो गई शादी को, लॉकडाउन में शादी हुई थी। क्या लग रहा है आपको? हमें लग रहा है कि इन दोनों का आपस का मामला था, गले पे निशान हो रहा है, यहाँ से पस्सी का निशान हो रहा है, यहाँ पे निशान हो रहा है। फरुखाबाद से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हत्यारे मां ने कोख में ही बेटी के भ्रूण की हत्या करके फेंक दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बच्ची के भ्रूण पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के भ्रूण को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्यवाही में जुट गई। दरवाजे बाहर कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे क्या आपने सुबह जब शटर खोला हो तब आपने देखा होगा? अच्छा, क्या नाम है आपका? कानपुर के महाराजपुर में एक युवक का शर्मनाक चेहरा सामने आया है, जहां युवक ने पड़ोस में रहने वाली मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने बच्ची को आम खिलाने का लालच दिया और उसे लेकर बगीचे में चला गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। वहीं बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी पर पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। हम लोग अपनी नदन किया घर से, हम हमारे पति और हमारे पास 5 बजे फोन गया है कि आपकी लड़की की बहुत ज़्यादा हालत खराब है, आप चली आइए। तो फिर वहाँ से जब आए हम लोग 8 बजे, तो यहाँ पता चला कि मेरी लड़की के साथ में घटना हुई है कि किसी ने मतलब गलत किया है। तो मेरी लड़की को ले जाके बगीचे में आम तोड़ाने और उसको खेत में उसके साथ में बलात्कार किया। क्या नाम है उसका, आरोपी का? मिस्त्री। अच्छा, नाम चांदनपुर है। यहाँ पर एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई थी। इस घटना के संदर्भ में थाना महाराजपुर में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पीड़िता का मेडिकल करा दिया गया है और इसमें समस्त विधिक साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। अभियुक्त को हिरासत। कानपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल बीते कई समय से कानपुर सेंट्रल स्टेशन और उसके आसपास के स्टेशन में ट्रेनों में चोरी की घटना काफी सक्रिय हो गई। इसी के चलते जीआरपी ने एक अभियान के तहत चोरी को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को धर दबोचा है। वहीं पकड़े गए 3 शातिर चोरों के पास से 5 लाख रुपए की कीमत के 19 मोबाइल और ज्वेलरी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल शाम को गोविंदपुरी चौकी में 3 शातिर चोर पकड़े गए हैं जीआरपी के, एक शकील, एक कलीम और एक मोनू। इनका पहले से भी अपराधी की इतिहास है, 5-5, 6-6 मुकदमे इनको पहले से भी हैं। इनका अपराध करने का तरीका ये था कि ये रात में 12 बजे से लेकर 3 से 4 बजे के बीच तक जूही यार्ड और गोविंदपुरी यार्ड, जो सुनसान का इलाका है, वहीं आपके खड़े हो जाते थे सिग्नलों के पास। और जब भी 12 से 4 के बीच में जो भी कोई ट्रेन आती थी और स्लो होती थी, तो ये एक गेट से अंदर घुस जाते थे और जो यात्री सोए रहते थे, जो भी किसी का पर्स मिला, किसी का लेडीज पर्स मिला, किसी का बैग मिला या किसी का मोबाइल रखा हुआ है बाहर, ये लेके। खबर कुशीनगर से है, जहां के लालीपार निवासी बीरबल साहनी अपने बेटे के साथ बाजार करने हेतिमपुर गए हुए थे और बाजार से लौटते समय युवक एक मौन नाले पर शौच करने रुक गया। इस दौरान युवक का पैर फिसल गया और वो गहरे नाले में गिर गया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से काफी खोजबीन के बाद युवक के शव को निकाला गया और युवक को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर स्थित कुआनो नदी में नहाते समय 6 युवक डूब गए। इसमें से 3 लोगों को तो एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया, जबकि इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद नदी से इन 3 युवकों का शव निकालते हुए निकाला और वही पुलिस ने 3 युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि यह घटना महुली थाना क्षेत्र के साखी पुल के पास की है। नहाते समय 3 युवक अनुराग व चंदन पुत्रगण अयोध्या निवासीगण साखी थाना महुली व प्रिंस पुत्र डब्लू राय निवासी कौड़ीराम धनौड़ा गोरखपुर डूब गए थे, जिनको आज दिनांक 29/6/2022 को SDRF तथा PEC टीम की मदद से बरामद। राजस्थान में हुई हत्या को लेकर यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसको लेकर यूपी के औरैया जिले में भी पुलिस सख्त दिख रही है और मुख्य बाजारों में भारी पुलिस बल लगातार फ्लैग मार्च निकालकर जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील कर रही है। शासन के द्वारा पूरे प्रदेश में अलर्ट किया गया है, लोगों में सुरक्षा का भावना बनी रहे और किसी भी तरीके की हारमोनी डिस्टर्ब न हो, समाज में हर तरफ शांति और व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कुछ घटनाएं जो अन्य प्रदेशों में हुई हैं उनको लेकर के अलर्ट किया गया है। उसके तहत हमारी पूरी पुलिस फोर्स मौजूद है और मुस्तैद है, सभी लोगों को यहाँ पर अलर्ट रखा गया है और ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें और आपस में किसी भी तरीके की अगर अफवाहें होती हैं तो उनको हमसे पूछें और हमसे वेरीफाई करें, आपस में उलझने की आवश्यकता नहीं। इस बात का संदेश संपूर्ण मामला है, वो भी एक मामला है कि किसी तरह की कोई अफवाह न फैलने पावे, वो एक लोकल घटना थी, उसका कोई प्रकर्षण अन्य तरीके से अफवाहों के माध्यम से न फैलने पावे, इसके तहत भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी जा रही है और हर तरीके। खबर उन्नाव से है, जहां पर वह कस्बे के अवैध सिद्धि विनायक नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटते हुए नर्सिंग होम स्टाफ पर आरोप लगाया कि इलाज के दौरान लापरवाही के चलते मरीज की मौत हुई है। इसके साथ परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर भी सवाल उठाए हैं, जिसको संज्ञान में लेते हुए CMO द्वारा अस्पताल सीज कर दिया गया है। इसके साथ ही सिद्ध विनायक अस्पताल के प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही गई है। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के खिलाफ पूर्व में मानक विहीन संचालन की शिकायत प्राप्त हुई थी, जांच कराकर उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया था। दोबारा अस्पताल चालू हुआ इसकी जानकारी नहीं है, संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो जांच करा के संचालकों। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर थाना सदर के सब इंस्पेक्टर की रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि बुखारपुर गांव में मारपीट और लूटपाट का मामले में शिकायतकर्ता के नरेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच सब इंस्पेक्टर कर रहे थे। उसी मामले में पीड़ित से 10,000 रुपए रिश्वत मांगी और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया। जैसे ही पूरी घटना की जानकारी फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को मिली, उन्होंने तुरंत सब इंस्पेक्टर वीर सेन को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया। मैनपुरी जिले से खबर सामने आ रही है, जहां पर थाना दन्नाहार क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 3 सगी बहनें अपने घर से अचानक लापता हो गई, जिसकी जानकारी परिजनों को सुबह हुई। अचानक से 3 बहनों के गायब होने से घर में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस सूचना मिलने के बाद से लड़कियों की तलाश में जुट गई है, हालांकि अभी तक 3 का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। मैनपुरी के दन्नाहार थाने में महटोली गांव से 3 बच्चियां गायब हुई कल। उनके द्वारा एक लिख करके भी छोड़ा गया कि वो पढ़ने के लिए बाहर जा रही है, यहाँ पे नहीं रहेंगी। इस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया गया और साथ ही आज इन लड़कियों की दिल्ली में होने की जानकारी मिली है, जहां पुलिस टीम भेजी गई है और शीघ्र ही इनकी बरामदगी की जाएगी।
खबर औरैया जिले से सामने आ रही है, जहां पर एरवाकटरा के ग्राम समायन में एक वृद्ध मां रामवती अपने बेटे को ढूंढने के लिए दर दर भटक रही है। वहीं मां का कहना है कि उनका बेटा एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया था, लेकिन शाम तक जब उनका बेटा वापस नहीं आया तो बिधूना कोतवाली पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कितनी उम्र है? 25-26। बिधूना किससे पैसे लेने गए थे? एटीएम से काटे, अपने वहाँ दोस्त था तो एक संग पढ़ने वालों उसके, या वो खड़ी जनसेवा के वहीं से निकाले। तो आपने कहीं अभी कोतवाली बिधूना जाकर तहरीर दी क्या? प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।